नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि गर्भावस्था में भूख ज्यादा या कम लगना ये किस बात का संकेत है, क्योंकि काफी सारी महिलाओं के मन में ये दुविधा रहती है कि भूख ज्यादा या कम लगने से हमारे गर्भ में क्या पल रहा है, ये शिशु का जेंडर पता चल जाता है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो अधिकतर मुझसे महिलाएं पूछती हैं। तो इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलने वाले हैं। ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है आपके लिए, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। और फ्रेंड्स, यदि आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि आप ऐसे ही मोस्ट लेटेस्ट और इन्फॉर्मेशन से भरी हुई वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त कर पाए। देखिए फ्रेंड्स, गर्भावस्था में सबसे पहले बात करते हैं कि कब आपको भूख नहीं लगती है। सो फ्रेंड्स, जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं और आपका पहला ट्राइमेस्टर होता है, क्योंकि कम्प्लीटली 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। पहले ट्राइमेस्टर में 3 महीने होते हैं, फिर दूसरे ट्राइमेस्टर में 3 महीने, फिर तीसरे ट्राइमेस्टर में 3 महीने। ये तीनों आपस में जुड़ने के बाद पूरा 9 महीना काउंट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, अब हम बात करते हैं कि जब महिला को भूख सबसे कम लगती है, वो अमूमन देखा गया है कि पहला ही ट्राइमेस्टर होता है। पहले के जो 3 महीने होते हैं, इनमें महिलाओं को भूख सबसे कम लगती है, क्योंकि महिलाओं को मॉर्निंग सिकनेस की समस्या काफ़ी ज़्यादा होती है। अब ये मॉर्निंग सिकनेस कुछ ऐसी दिक्कत है जिनमें महिलाओं को कभी कभार उल्टियाँ, चक्कर आना, जी मिचलाना और बहुत ज़्यादा हेडेक रहता है, बहुत ज़्यादा थकावट रहती है, जिसकी वजह से महिलाएं कुछ भी खाती हैं, पीती हैं तो वो ठीक तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उनको उल्टियाँ आने लगती हैं। कई बार आपके जो नोज के सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर स्मेल के ऊपर, इस वजह से भी आप कई बार खाने को नहीं खा पाते हैं। तो पहला जो तीसरा महीना होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये बहुत ही ज़्यादा जटिल होता है और इस समय महिलाओं के शरीर के अंदर बहुत तेज़ी से परिवर्तन रहते हैं, हार्मोन्स के भी रहते हैं और जनरली आपकी शरीर जो है वो बहुत तेज़ी से बदलती रहती है। ठीक है, प्रेगनेंसी कंसीव होते ही तो ये जो 3 महीने हैं इनमें आपको भूख ना लगने की शिकायत हो सकती है, बहुत सारी महिलाओं को होती है। लेकिन अगर ये परेशानी कंटिन्यू आपको 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में परेशान करती है, हो सकता है 3 महीने के बाद भी आपको ये सारी चीज़ें हो रही है, तो इस समय थोड़ा सावधान होने की ज़रूरत होती है। क्योंकि फ्रेंड्स, महिलाओं को 3 महीने के बाद अमूमन देखा गया है, जब से प्रेगनेंसी कंसीव करे तभी से आपको एक हेल्दी डाइट लेना चाहिए, लेकिन 3 महीने तक अगर आपको यही परेशानी है और ये 3 महीने के बाद सेटल्ड होने लगती है, धीरे धीरे कम होने लगती है, लेकिन फ्रेंड्स आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये एक साइन है कि आपके शरीर में किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही है। इसके लिए आपको मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर आप कम खाना खाएंगी, अगर आपको बिल्कुल ही आप एडजस्ट नहीं कर पा रही हैं और आप सोच के बैठी हैं कि मुझे कम ही खाना है, तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके बेबी पे पड़ सकता है, क्योंकि जो आप न्यूट्रिशन लेते हैं, जो आप खाना खाते हैं वो हेल्दी होता है, तो बच्चे का वजन बढ़ता है, बच्चा बुद्धिमान होता है, बच्चा शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा स्वस्थ होता है। तो माँ जो भी खाती हैं उनको सोच समझ के अच्छा हेल्दी डाइट ही लेना चाहिए प्रेगनेंसी में, ताकि बच्चे का संपूर्ण विकास हो पाए और ये पूरा निर्भर होता है माँ के खान पान पे। तो इस चीज़ का आपको बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा नोजिया की प्रॉब्लम या बहुत ही ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस है, तो नींबू पानी का सेवन आपको अच्छे से करना चाहिए, बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देना है और थोड़ी ही मात्रा में खाना खाना है, थोड़े थोड़े 2 घंटे के अंतराल पे, लेकिन खाना जरूर है, बिल्कुल ही खाना को अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि मेडिसिन में इतनी ताकत नहीं होती है कि वो सारे न्यूट्रिशन को आपके शरीर में समा पाए। आपको भोजन तो करना ही होगा, जो अच्छा लग रहा है वो खाइए, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा खाना खाते रहिए। अब चलिए बात करते हैं कब आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही गर्भावस्था के अगले चरणों में आप पहुंचती रहती हैं महीने दर महीने, वैसे ही आपके शरीर के साथ ही साथ आपके शरीर के अंदर जो शिशु है वो परिपक्व, वो अच्छे से विकसित होना स्टार्ट करता है। जैसे जैसे शरीर में शिशु की संरचना बढ़ने लगती है, शिशु का आकार बढ़ता है, वैसे वैसे शरीर को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से आपको ऑटोमेटिकली भूख बहुत अधिक लगने लग सकता है।
तो इस दौरान महिलाएं एक गलती बहुत करती हैं कि या तो जिन चीज़ों को खाने की इच्छा है वो बहुत खा लेती हैं, उसी से पेट भर लेती हैं, या फिर खाना इकट्ठे आप बहुत सारा खा लेते हैं। इस दौरान आप ज़रूर इन बातों का ध्यान रखें कि आप बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में किसी भी चीज़ को एक बार में ना खाएं। इससे जो पेट के अंदर है वहाँ पे प्रेशर बनता है और बच्चे का जो है वो विकास रुक सकता है, बच्चा ठीक से घूम नहीं पाएगा, ठीक से वहाँ पे उसको स्पेस नहीं मिलेगा। इसलिए माँ को हमेशा अच्छा खाना खाना चाहिए, न्यूट्रिशन अच्छा लेना चाहिए, लेकिन वो आपको थोड़े थोड़े अंतराल पे थोड़े थोड़े क्वांटिटी में ही खाना है, इकट्ठे बहुत ज़्यादा खाना आपको नहीं खाना है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा चटपटा तीखा मसालेदार खाने का मन होता है प्रेगनेंसी में, तो ये आप घर पे ही बनाइए और घर का शुद्ध खाना खाइए। आप मार्केट के खाने से दूर रहिए, ज़्यादा ऑयली फूड ये सब ना खाएं, जंक फूड ना खाएं। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, बच्चे का विकास तो नहीं होगा लेकिन आपके शरीर में बहुत ज़्यादा चर्बी फैल जाएगी और बहुत ज़्यादा आप मोटे हो जाओगे प्रेगनेंसी के बाद। ऐसे भी प्रेगनेंसी में अमूमन 12 से 20 किलो वज़न बढ़ ही जाता है महिलाओं का, लेकिन आप बहुत ज़्यादा अनियंत्रित रूप से बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ों पे डिपेंडेंट रहती हैं तो आप बहुत ज़्यादा फैटी हो सकती हैं। इसके वजह से आपका हो सकता है सिजेरियन हो, नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आए, तो इन बातों का भी ध्यान रखिए। हमेशा अच्छा फूड खाना है, हेल्दी फूड खाना है, नेचुरल फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा खानी है, वेजिटेबल्स ज़्यादा खानी है। सो फ्रेंड्स, अगर इस तरीके से आप बैलेंस डाइट मैनेज करके रहेंगे तो पूरी प्रेगनेंसी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात करते हैं कि बहुत बार पुराने बड़े बुजुर्गों के द्वारा ये धारणाएं और मान्यताएं हैं कि बहुत ज़्यादा जो महिलाएं खाना खाती हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, उनको घर में लड़का होता है, और बहुत कम जो खाना खाती हैं उनको घर में लड़की होती है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड। खाने का कोई भी कनेक्शन जेंडर या फिर किसी भी बेटा या बेटी होने से नहीं होता है, ये एक पूरा ही पूरा जो मिथ है वो है। तो फैक्ट जो चीज़ें हैं वो मैंने इस वीडियो में कवर की है, जो आपको एग्जैक्टली मैंने बताई हैं। खाने से कोई भी लेना देना नहीं होता है। अगर आप सपोज डैट इन सब चीज़ों पे बिलीव करेंगे 100%, तो रिजल्ट फिर बाद में आपको निराशाजनक भी मिल सकता है। इसलिए उम्मीद करिए कि आपका बेबी बहुत हेल्दी हो, इसका पूरा नियंत्रण आपके ऊपर ही रहता है। सो फ्रेंड्स, अच्छा डाइट लीजिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, तो आपको कुछ किसी भी प्रकार की ना बेबी में कोई कमी होगी, ना आपको कोई दिक्कत होगी प्रेगनेंसी के दौरान। फिर भी अगर कोई भी आपके मन में दुविधा या समस्या या कोई भी प्रश्न है तो आप मुझसे कांटेक्ट करने के लिए पूजा घर संसार इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करें, वहाँ पे मुझे मैसेज ड्रॉप करें डीएन में। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप रखिएगा अपना पूरा ध्यान। टेक केयर दोस्तों, नमस्कार।